जॉर्डी का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1994 को चूचीपुरिया नाम के गांव में। जॉर्डी बचपन में बहुत ज्यादा पतला हुआ करते थे। जॉर्डी के पतले शरीर को लेके उनके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, बट जॉर्डी को ये सबसे झाट फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जॉर्डी एकदम सिंपल लाइफ जीना पसंद करता था। खाओ पियो हिलाओ और सो जाओ, ये रूटीन जॉर्डी हमेशा फॉलो करता था। जॉर्डी के दोस्त लोग बहुत ही ज्यादा मजाकिया थे। एक दिन मजाक में एमिली ने जॉर्डी को एक दिल में आग लगाने वाली बात बोल दी। अबे पगले जॉर्डी, जरा कम हिला वरना सूख के काटा हो जाएगा एक दिन, समझा क्या? यह बात सुन के जॉर्डी ने तुरंत एमिली के मुंह पे बोला, अबे चल बे, तुझ जैसी तीन लड़की को एक साथ में ठोक सकता हूँ, इतना पावर है मेरे अंदर, समझी क्या शेमड़ी। फिर एमिली ने जॉर्डी को बोला कि अबे चिकने, एक शॉट मारने जाएगा ना तो तुझे तुरंत मौत मिल जाएगा, और आया बड़ा मुझ जैसी तीन को ठोकने वाला। यह बात सुन के वहीं पर तुरंत जॉर्डी रोने लगा और रोते रोते बोला, एमिली ये सब पादरी बातें मेरे साथ मत कर, समझी क्या, एक दिन मैं तुझे दिखाऊंगा कि जॉर्डी का पावर क्या है, यू जस्ट वेट एंड वॉच पापा की छोटी लवड़ी। यह बात बोल के जॉर्डी वहाँ से रोते रोते चला गया। जॉर्डी ने अपने आप को रूम में 2 दिन तक के लिए बंद कर लिया था। ना जॉर्डी कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था, बस अपने मीडियम साइज नुन्नू को देख के रो रहा था। जॉर्डी के माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे जानने का कि जॉर्डी का परेशानी क्या है, क्यों मेरा बच्चा इतना रो रहा है, बट जॉर्डी इतना जिद्दी है कि मादरचोद बताने का नाम नहीं ले रहा था, बस अपने मीडियम साइज नुन्नू को देख के रो ही जा रहा था बस। जॉर्डी के पिता डैनी ने गुस्से में आके दरवाजा तोड़ दिया और रूम में जाके जॉर्डी के कान के नीचे 2 रेपटा पेल दिया और फिर बोले, जॉर्डी बेटा क्या मैंने तुझे यही सिखाया है कि प्रॉब्लम्स में रोना चाहिए, काइरो की तरह रूम बंद कर लेना चाहिए। जॉर्डी ने पहले अपने नाक का सेम्बुड पोछा और धीरे से बोला, नहीं पापा। फिर जॉर्डी के पिता ने बोला, तो ऐसा क्यों कर रहा है तू जॉर्डी बेटा। फिर जॉर्डी ने अपना पूरा प्रॉब्लम अपने पिता को बताया और फिर से जॉर्डी चूतिया रोने लगा। फिर जॉर्डी के पिता ने चिल्ला के बोला, चुप झाटू। जॉर्डी चुपचाप हो गया। फिर जॉर्डी के पिता ने प्यार से बोला, टेंशन मत ले, मैं जो बोलता हूँ वो कर, फिर तेरा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। डैनी ने अपने बच्चे जॉर्डी को प्यार से समझाया और सुला दिया। फिर डैनी ने अपने बचपन के मित्र जॉनी सिंस को फोन लगाया और ये सब बातें डैनी ने जॉनी को बताया। जॉनी ने डैनी को बोला कि तू 2 महीने तक अपने बच्चे को अच्छे से बीबीसी वाली ट्रेनिंग दे, फिर उसको लेके आ मेरे नए फिल्म के ऑडिशन के यहाँ पे। देवरा दुधवा पिए खाती चोलिया हमार खोला था, इस मूवी में मैं तेरे बच्चे को देवर का रोल दे दूंगा। फिर डैनी ने जॉर्डी को देवर के रोल के लिए उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। डैनी जॉर्डी को रोज सुबह 4 बजे उठा देता था, फिर उसे रोज 5 किलोमीटर तक भगाता था और भी बहुत कुछ करवाता था। वो सब बातें डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ऊपर से बताऊंगा। और जॉर्डी के पिता डैनी अपने हाथ से जॉर्डी का मुठ भी मार के देते थे। ऐसा करते करते जॉर्डी बहुत पावरफुल हो गया। फिर जब 2 महीने के बाद डैनी ने जॉर्डी को ऑडिशन के लिए लेके गया तो वहाँ पर जॉर्डी का परफॉर्मेंस देख के जॉनी सिंस बहुत खुश हो गया। जॉनी सिंस जॉर्डी के पास गया और बोला, जॉर्डी बेटा तेरा नुन्नू है या लोहे का रॉड, कितना कड़क नुन्नू है यार, बहुत बढ़िया बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। 1 साल बाद जब जॉर्डी का पहला फिल्म रिलीज हुआ तब उस फिल्म ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जॉर्डी का फैंस फॉलोइंग धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि मिया मलकोवा, लाना रोड्स, डैनी डेनियल्स एंड 20+ मोर लड़कियां जॉर्डी के साथ टपाटप करने के लिए बेकरार हो रही थी। वर्ल्ड में जितने भी मुठ्ठे लोग हैं वह सब जॉर्डी के कट्टर फैंस बन चुके थे। फोरसम वाले वीडियो में जॉर्डी बाई को कोई टक्कर नहीं दे सकता था। आज एमिली पछता रही है अपने गलती के ऊपर, पर जॉर्डी बाई दिल के बड़े ही अच्छे इंसान है, थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं है जॉर्डी बाई के अंदर, इसलिए उन्होंने एमिली को माफ कर दिया। हमेशा मर्द के सक्सेस के पीछे किसी औरत का हाथ नहीं होता, कभी कभी मर्द का भी हाथ होता है, और जॉर्डी के सक्सेस के पीछे उसके पिता का हाथ था। यह थी जॉर्डी की छोटी सी कहानी, रिटन बाय सुनहरे झाट एंड एडिटेड बाय गांड का पाल।